महाराणा प्रताप सिंह की जयंती पर विशाल कार्यक्रम को लेकर एक बैठक का आयोजन जगदम्बा गेस्ट हाउस रामदेवी में आहूति की गई, जिसमें अध्यक्ष लाल सिंह तोमर व निवर्तमान विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया ने शिरकत किया, जिसमें 9 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया जाएगा। लाल सिंह तोमर ने ये भी बताया कि 2 वर्ष से कोरोना के कारण कार्यक्रम नहीं हो पाया है, इस बार विशाल सम्मेलन व सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। निवर्तमान विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया ने कहा कि क्षत्रिय सभा को गरीब कन्याओं की शादी पर भी विचार करना चाहिए। हमारे पास टीम बहुत बड़ी है, हम अगर चाह ले तो कार्यक्रम कर सकते हैं। आगामी सम्मेलन के विषय पर चर्चा की गई, वह जल्द से जल्द पत्रिका का भी विमोचन किया जाएगा। इसमें प्रमुख रूप से लाल सिंह तोमर, रघुनंदन सिंह भदौरिया, बलराम सिंह, चेतन सिंह चौहान, कर्नल के सिंह, जे के सिंह, RVS चंदेल ने शिरकत किया। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना काल में 2 वर्ष का हमारा समय बीत गया, हम उसको नहीं मना पाए। इस वर्ष 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती मनाएंगे। प्रयास हमारा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को काम में समाज का केवल इतने में है, पैसा ही देना सब कुछ नहीं है। आपके जब बुरा वक्त आता है या अच्छा वक्त होता है, जब आप किसी को निमंत्रण देने जाते हो, तो ये समाज आपके पास इसलिए जाती है कि वो व्यक्ति सदैव हर मीटिंग में आता है, यार चलने की ज़रूरत है। दुख तो सुनने के बाद जाता है और सुख में कहना पड़ता है। इसलिए मैं समझता हूँ समाज बड़ी है, और समाज आज सबसे अगर छोटी है तो भारत में छत्री समाज है, क्योंकि उसके इतने बंटवारे हैं। जैसे पहले छत्री ही छत्री लड़ते थे, तो बाद में महाराणा प्रताप जी लड़े हैं मुसलमानों से, पहले तो हम सब छत्री ही थे, छत्री ही लड़ते थे, छत्री ही वीरगति पाते थे, और छत्री ही जाके राजा बन जाते थे, जगहों पे कब्जा करते थे। सारे अच्छे बुरे उस पिक्चर में भी दिखाया गया। कभी कभी जब छोटा व्यक्ति पहुंच जाता है तो बड़े लोगों को पिक्चर बड़ा कष्ट होता होगा। लेकिन जब मोदी जी चाय बेचने वाले आज भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री सर्वमान बना लिया, मैं समझता हूँ आपके घर का IAS बेटा हो, किसी का घर का हो, PCS हो, IAS हो, मतलब जो भी हो, अगर कोई तरक्की करता है उसे सम्मानित करना चाहिए। और इसकी परमा